आम हालात में ज़बान का रंग गुलाबी होता है, जिस पर हल्की सफ़ेद तह मौजूद होती है। एक सेहतमंद ज़बान के ऊपर और अतराफ में छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं, जिन्हें पेपिलाई कहा जाता है, जो ज़बान पर मामूली उभार का बायस बनते हैं। जिस्मानी या नफसियाती आर्जे की वजह से ज़बान का रंग तब्दील हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में ज़बान के रंग में तब्दीली आर्जी होती है और ये 2-4 दिन के अंदर बगैर किसी इलाज के खुद ब खुद मामूल के रंग में ढल जाती है, मगर कुछ केसेस में ख़ास इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फितरत के राज और मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर रज़ाद। आज की वीडियो में हम ज़बान के मुख्तलिफ रंगों और उनका सबब बनने वाली मुमकिन तबी वजूहत जानने की कोशिश करेंगे। आइए तफसीलात जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि बराए करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई मुफीद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। शुक्रिया। काली ज़बान के ताने के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिसे बुरी नज़र से मुशाबत दी जाती है, मगर हकीकत में भी लोगों की ज़बान काली हो सकती है। ज़बान के कालेपन का सबब केराटिन नामी एक प्रोटीन बनता है। ज़बान पर केराटिन नमोदार होने के कई वजूहत हो सकती हैं, जिनमें मुंह के अंदरूनी हिस्से की दुरुस्त तरीके से सफाई न करना, मखसूस एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, तम्बाकू नोशी और रेडिएशन थेरेपी काबिले ज़िक्र हैं। इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक टी भी ज़बान पर डार्क कम्प्लेशन का बायस बन सकते हैं। ज़बान का रंग सफ़ेद हो जाने का बायस एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन बनता है, जिसे मेडिकल टर्म्स में ओरल थ्रश कहा जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से ज़बान पर सफ़ेद या सुर्ख धब्बे दमोदार होते हैं। ये इन्फेक्शन काफ़ी तकलीफ दे माने जाते हैं, जिसकी वजह से निकलने और खाने में काफ़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़बान की सफ़ेदी का एक दूसरा सबब ल्यूकोप्लेकिया नामी आर्जा भी हो सकता है। सुर्ख ज़बान पर बेहद जलन, सोजश और इसकी वजह से पूरे जिस्म में दर्द और बेचैनी महसूस होती है। बाज़ों का ज़बान एक स्ट्रॉबेरी जैसे नज़र आने लगती है, जिस पर लाल उभरे हुए डार्ट्स नुमाइंद तौर पर देखे जा सकते हैं। हमारी ज़बान के गुलाबी से लाल रंग में ढलने के पीछे कई वजूहत हो सकती हैं, जिनमें जिस्म के अंदर वाइटामिन B12 या फोलिक एसिड की डिफिशेंसी के अलावा स्कारलेट नामी बुखार भी शामिल है, जिसकी वजह से भी ज़बान की सतह नहमवार और सुख बन जाती है। ज़बान के पीले रंग में तब्दीली का सबब बैक्टीरियाज बनते हैं। मुंह के ठीक तरीके से सफाई न होने या फिर ज़बान की खुश्की की वजह से इसकी सतह पर मौजूद पेपिलाए अपने हद से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, जिनकी वजह से खुराक की हवा में मौजूद बैक्टीरियाज मुंह के अंदर इन्हीं पेपिलाए में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से ज़बान का रंग पीला पड़ने लगता है। इसके अलावा ज़बान के पीलेपन का एक और सबब ज़्यादतीस भी हो सकता है। ज़बान की कोटिंग में हल्की तब्दीली बेज़र मानी जाती है, मसलन मुख्तलिफ मशरूबात पीना भी ज़बान की कोटिंग के कलर में तब्दीली का बायस बन सकते हैं। अगर ज़बान की रंगत सूरत या इसकी जिसामत में वाज़ह फ़र्क महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म में फौरी हल तलब किसी नुस्ख़ की तरफ इशारा करते हैं।